लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अभी विपक्षी इंडी गठबंधन दलों के बीच सीटों का बंटवारा तय नहीं हुआ। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल में लोकसभा की सीटों के बंटवारे को लेकर तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस की राज्य इकाई में तनाव देखने को मिल रहा है। ममता बनर्जी के बयान पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की प्रतिक्रिया के बाद अब कुणाल घोष ने बड़ा हमला बोला। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने पश्चिम बंगाल की कांग्रेस इकाई को बीजेपी का दलाल तक कह डाला। उन्होंने कहा कि सीटों को लेकर हमारे पास कोई लेटेस्ट जानकारी नहीं है। इस पूरी प्रक्रिया को टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी देख रही हैं और वही आखिरी फैसला लेंगी। नाउ वी हैव नो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। आवर सुप्रीमो ममता बनर्जी, शी इज लुकिंग आफ्टर द प्रोसेस, शी विल टेक द फाइनल डिसीजन एंड शी विल इन्फॉर्म इन प्रॉपर टाइम। वहीं बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने इस बात का दावा किया कि जिस तरह से गठबंधन की खबरें सामने आ रही हैं, ये गठबंधन ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। जो INDI गठबंधन है वो ज्यादा देर चलने वाला नहीं है। हर जो पार्टी है उसके अपने अपने तरीके हैं, अपने अपनी सोच है और अपने अपने तरीके से चल रहे हैं। ये पिछली 3-4 मीटिंगों में जिस प्रकार से मिलते हैं उससे साफ जाहिर होता है कि आने वाले समय में ये गठबंधन ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं है। और आखिरकार सीट शेयरिंग में कहां फंस रही है कांग्रेस, एक ग्राफिक जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो पेच है ये कहां पर फंसता हुआ नजर आ रहा है और आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस जो है इस पूरे सीट शेयरिंग के मामले में फंसती हुई नजर आ रही है। आखिर कांग्रेस क्या चाहती है, इंडी गठबंधन के जो तमाम सहयोगी दल हैं वो आखिर क्या चाहते हैं, ये भी आपको ग्राफिक्स वॉल के जरिए जो है वो समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन सब के बीच में एक सबसे